हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे WHO के बारे में। सो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अगर आप JKPSC की बात कर रहे हैं, अगर आप पोलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एज वेल एज अगर हम देखें तो रिसेंट में अगर आप असिस्टेंट कंपाइलर एज वेल एज बहुत सारी JKSSB की पोस्ट में भी आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जो है टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो आज इसी के बारे में आज बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें WHO की, जो एक स्पेशलाइज एजेंसी है अगर बात करें यूनाइटेड नेशन की, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। ये आप इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड है तो मैं आपको बता दूं, ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशन की, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, WHO कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द अटेनमेंट बाय ऑल द पीपल ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। ये आप देख सकते हैं, इनका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहता है WHO का, द अटेनमेंट बाय ऑल द पीपल ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल ऑफ हेल्थ। जितनी भी मतलब हो सके लोगों की हेल्थ को, मतलब लोगों की हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सके उनको ठीक करने की, उसके अकॉर्डिंग ये बात करता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव ये कहता है। अब बात करेंगे जहां पे इट हैज 6 रीजनल ऑफिसेस, इसके 6 रीजनल ऑफिसेस हैं और 150 फील्ड ऑफिस वर्ल्ड वाइड। और वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें, पूरे वर्ल्ड में आपको 150 जो है फील्ड ऑफिसेस वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलेंगे WHO के। नेक्स्ट बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें पूछी जाती है वो मैं आपको बता दूं। आपको या तो एक हेडक्वार्टर पूछा जाएगा या आपको फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जहाँ आपको पूछा जाएगा कि ये एजेंसी कौन सी टाइप की, जैसे मैंने आपको बताया हेल्थ के रिलेटेड है, हेल्थ आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में लिखा हुआ। तो बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन की, 7 अप्रैल 1948 को इसकी फॉर्मेशन की गई, किसकी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। और टाइप की बात करें, ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। देन बात करेंगे हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड। काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार हेडक्वार्टर और डेट के बारे में पूछा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ डेट और जिनेवा, जैसे इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। हेड की बात करें, टेड्रोस एडनोम जो है डायरेक्टर जनरल है इसके, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी है वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सो जहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सो बात करेंगे जहां पे नेक्स्ट, WHO मैंडेट इंक्लूड एडवोकेटिंग फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करता है, मॉनिटरिंग पब्लिक हेल्थ रिस्क, कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्स टू हेल्थ इमरजेंसीज एंड प्रोमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये देख सकते हैं, जब भी आपको पता था कि कोविड जो है ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, तो वर्ल्ड में फैलना, जब कोविड फैल गया था तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है आपको देखने को मिलती थी कि सावधानी है, आपने कौन कौन सी बरतनी है, किस किस तरीके से आपने हैंड वॉश करने हैं, और कौन कौन सी चीजों का आपने सेवन करना है, और कौन कौन सी चीजों से कितना डिस्टेंस बना के रखना है। ये सारी की सारी आपको पता है गाइडलाइन जो थी आपको सबसे पहले देखा होगा WHO ने जारी की थी। ठीक है, इट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंट टू कंट्रीज, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करती कंट्री की, सेट इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स और कलेक्ट डेटा ऑन ग्लोबल हेल्थ इश्यूज। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज के ऊपर डेटा कलेक्ट करती है। बात करेंगे थर्ड पॉइंट, या पब्लिकेशन द वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट प्रोवाइड असेसमेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ टॉपिक्स। ठीक है, और अगर पब्लिकेशन की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ जो रिपोर्ट है ये प्रोवाइड करती है, असेसमेंट प्रोवाइड करती है वर्ल्ड वाइल्ड हेल्थ टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, द WHO आल्सो सर्व्स एज अ फोरम फॉर डिस्कशन ऑफ हेल्थ इश्यूज। तो आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट, ये सारा का सारा आपको हेल्थ के ऊपर ही देखने को मिलेगा। बात करेंगे नेक्स्ट, WHO हैज प्लेड अ लीडिंग रोल इन सेवरल पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट्स। बहुत सारा इनका जो लीडिंग रोल रहता है अगर पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट्स की बात करें, मोस्ट नोटेबली द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, ये आप डिजीजेस के नाम देख सकते हैं, द नियर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो एंड द डेवलपमेंट ऑफ इबोला वैक्सीन। ठीक है, तो ये सारी की सारी आप देख सकते हैं इस तरीके से इन्होंने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने में योगदान दिया, नियर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो। ठीक है, पोलियो को भी आपने देखा होगा बहुत जो है इसका जो है मात्रा जो है बहुत कम हो गई है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ इबोला वैक्सीन, इबोला वैक्सीन को इन्होंने डेवलप किया। उसके बाद इट्स करंट प्रायोरिटीज, इनकी करंट प्रायोरिटीज की अगर बात करें तो इंक्लूड कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस मैं आपको एक अलग टॉपिक में बताऊंगा कि कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो HIV एड्स, इबोला, COVID-19 की बात करें तो COVID-19 भी एक कम्युनिकेबल डिजीजेस में ही आता है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलती है। मलेरिया एंड
ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में आप, जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे हार्ट अटैक, किसी को हार्ट डिजीज होती है तो वो नॉन कम्युनिकेबल होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकती। कोविड-19 जो है एक दूसरे से इबोला और एचआईवी एड्स जो है ये फैल सकते हैं, ये आपको कम्युनिकेबल डिजीजेज में आ गया, ठीक है। उसके बाद हार्ट डिजीज की बात करें, कैंसर जो है एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ, डाइट, न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है, और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज, तो सारा का सारा देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके, ये सारे के सारे जितने पॉइंट्स बता रहे हैं ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। मैं आपको अगेन बता दूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड आपको या तो डायरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे, या आपको हेड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, या आपको हेडक्वार्टर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको फॉर्मेशन के ऊपर, या आपको बीच में मेन पूछा जाएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, कौन सी एजेंसी है, ये एक यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।